हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी कि मेरे साथ। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट स्टील बार्स। जी हाँ, स्टील बार्स के बारे में कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर देखते हैं और एक एक करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों टॉलरेंस फॉर नॉमिनल मास फॉर 20 mm डाया बार। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ टॉलरेंस की बात हो रही है 25 mm बार डाया की, तो ये कौन सी टॉलरेंस की बात हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही आप मार्केट में आप जाते हैं स्टील को खरीदने के लिए और वहां पे आप देखिए थोड़ा बहुत तो उसके अंदर अप डाउन हो जाता है, मशीन से बनता है फिर भी, तो वो कितनी टॉलरेंस हो सकती है। अगर 25 mm का बार डाया है तो उसमें कितनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए कि आपका 25 का जो वेट है वो कितना अप डाउन आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर जाके वो ओवर वेट ना हो या लोअर वेट ना हो। तो दोस्तों वो जो है टॉलरेंस जो होती है वो एक्सेप्टेबल टॉलरेंस जो होती है उसकी यहाँ बात हो रही है नॉमिनल मास की, तो उसकी जो परसेंटेज है दोस्तों वो 3% है। दोस्तों उसकी जो टॉलरेंस है वो कितनी है 3%। और ये कहां से डिस्क्राइब होती है, तो दोस्तों ये जो होती है वो IS कोड है हमारा 1786, वो बताता है कि ये जो 3% टॉलरेंस है वो जो है अलाउेबल टॉलरेंस है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और ये 3% भी क्या होती है दोस्तों, ये प्लस माइनस होती है, प्लस माइनस यानी कि ना इससे नीचे जा सकते हैं ना इससे ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई आपकी और जो आपकी टॉलरेंस अलाउ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन TMT बार्स, कि TMT बार्स के अंदर कितनी परसेंटेज जो होती है कार्बन की वो अलाउ होती है। दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं ये कार्बन जो होता है वो इस्तेमाल क्या के लिए आता है TMT बार्स में। दोस्तों ये जो कार्बन जो है TMT बार्स में अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये जंग बार्स को ना जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए इसकी एक परसेंटेज फिक्स की हुई है बार्स की, जो कार्बन जो है वो इसलिए जरूरी है बार्स के अंदर कि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी और डक्टिविटी को बढ़ा देता है। और बट अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको जंग लगना जो है स्टील को जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो जल्दी जंग पकड़ेगा। तो उसकी भी जो एक परसेंटेज है दोस्तों वो फिक्स की हुई है कि कितना परसेंट कार्बन जो है TMT बार्स में होना चाहिए। तो दोस्तों वो है आपका 0.25% जो कार्बन है वो अलाउ होता है TMT बार्स में। और ये भी जो अपना IS कोड 1786 और 1985 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेंथ ऑफ बार टेकन फॉर रोलिंग मार्जिन। तो दोस्तों रोलिंग मार्जिन क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया जो नॉमिनल मास के लिए जो हमने बात हुई थी ये टॉलरेंस के लिए, उसी को टेस्ट करने के लिए, उसी के जो टेस्ट को जो होता है रोलिंग मार्जिन बोलते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए कितने लेंथ का जो है स्टील लेना चाहिए। तो दोस्तों वो है 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ का स्टील हमें लेना चाहिए, जो सैंपल काटना चाहिए फिर उसको वेट करना चाहिए, जिससे हमारा जो है टॉलरेंस का हमें पता लग जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों IS कोड फॉर बेंट, IS कोड फॉर बेंट टेस्ट ऑफ बार की। बेंट टेस्ट ऑफ बार एक दोस्तों टेस्ट होता है, बेंट टेस्ट जो होता है एक टेस्ट होता है बार्स का, जिसके अंदर हम बार को करीबन इस टाइप से ना मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ दिया बार को, तो यहाँ पे क्रैक ना आ जाए, क्रैक्स को डेवलप अगर हो जाए तो बार खराब नहीं होता है, तो हमारा जो स्टील बार ओके है। तो ये चीज जानने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बेंड टेस्ट। तो दोस्तों ये बेंड टेस्ट जो है वो कौन से IS कोड से हम लोग लेते हैं, उसको कौन से IS कोड जो है इसको अलाउ करता है। तो दोस्तों वो है IS
1599। तो दोस्तों ये जो है हमें बेंड टेस्ट के लिए हमें आईएस्ट 1599 जो है वो देखना पड़ेगा, उसके अंदर ये आपको मिलेगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एंगल, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना एंगल फॉर सैंपल फॉर बेंड टेस्ट व्हेन बेंड, यानी कि दोस्तों जब बेंड टेस्ट में स्टील बार को मोड़ा जाता है तो कितने एंगल तक मोड़ना चाहिए। आईएस 1599 के अनुसार दोस्तों ये जो बेंट होता है स्टील, जो ऐसे सीधा होता है, ये ऐसे सीधा होता है, इसको मोड़ के ऐसा बना दिया जाता है कि कितने एंगल तक मोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये है 180 डिग्री। दोस्तों 180 डिग्री पे एंगल पे इसको मोड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। फॉर डाया 20 mm मैंड्रिल डाया यूज्ड फॉर बेंट टेस्ट FE 500। अब दोस्तों बेंट टेस्ट के अंदर कितने डाया का मैंड्रिल यूज करना चाहिए 20 एमएम डाया के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मैंड्रिल क्या होता है। तो आप देखिए समझिए, आपने अपनी मशीन देखी होगी जो बेंट मशीन होती है, उसमें इस टाइप से ये और ये ऐसे होते हैं, ये तीन गोल गोल जो है लगे होते हैं जिनके अंदर आप यहां बार डाया डालते हैं अपने, और फिर ये आपने डाया डाला, बार डाला अपने, और ये आपका ऐसे घूमता है, इधर जाता है इस साइड में, ऐसे 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 घूमता है और आपका डाया जो है वो मुड़ के ये हो जाता है, ये मुड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो चीज है ना, ये होती है मैंड्रिल। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, तो इस मैंड्रिल का कितना डाया होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है हमारा जो डाया होना चाहिए वो FE 500 के लिए वो होना चाहिए करीबन 4 into 5, और ये भाई ये दोस्तों ये है डाया, यानी कि 4 into डाया ऑफ बार वो होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों फॉर री बेंड टेस्ट विच एंगल बार सैंपल, एट विच एंगल बार सैंपल बेंड। अब दोस्तों एक होता है बेंड टेस्ट, जो बेंड टेस्ट हमने बताया था कि आपको 180 डिग्री पे ऊपर जो है आपके बार को मोड़ के देखा जाता है कि यहां पे इस जगह जो है कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हो गया। अब दोस्तों एक होता है आपका रीबेंड टेस्ट। दोस्तों रीबेंड टेस्ट में जैसे ये आपका बार है सीधा, इसको एक सर्टेन एंगल के ऊपर इस तरह मोड़ा जाता है, ऐसे यहां ये मोड़ दिया, ये अब ये बन गया ये एंगल, इस एंगल पे मोड़ा जाता है। बट अब जब इसको रीबेंड करते हैं तो इसको पूरा डायरेक्ट सीधा नहीं करते, इसको इसके हाफ में कहीं यहां ले जाके दोबारा इसको सीधा करते हैं। यानी अगर एक पोजीशन तो ये बन गई बार की, आपका जो एक पोजीशन ये होगी, दूसरी पोजीशन जो बनेगी वो ये बनेगी आपकी बार का, पहले ये था, इसको यहां ले आएगा, इसको मोड़ के यहां ले आएगा, इसको तो दोस्तों ये जो एंगल होता है वो होता है करीबन 135 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो दोबारा बीच में मोड़ के लाते हैं, ये वाला होता है 157.5। तो आपको रिबाउंड रीबेंड टेस्ट के ऊपर जो एंगल होता है वो आपको इसमें दो बताने पड़ेगी, 135 डिग्री और 157.5 डिग्री, ये आपके रीबेंड टेस्ट के एंगल होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईएस कोड स्पेसिफाइड फॉर मैंड्रिल फॉर बेंड डायरी फॉर बेंड एंड रीबेंड टेस्ट। जो स्पेसिफाइड आईएस कोड कौन सा है जो मैंड्रिल के डाया को बताता है बेंड टेस्ट और रीबेंड टेस्ट के लिए, वो है दोस्तों आईएस 1786, यानी आईएस 1786 जो है ये बताता है मैंड्रिल के डाया को,
जो बैंड और इवेंट टेस्ट के लिए हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम और भी लाते रहेंगे आपके लिए, साथ में आप हमें कमेंट में भी बताइए और आप जो भी पूछेंगे उसके ऊपर जो है मैं आपको वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। तो दोस्तों अपने होस्ट और दोस्त पवन यादव को इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके टाटा।